हिमाचल प्रदेश ने कल की अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में फिर से ये बताया है कि वो दिल्ली को पानी देने को तैयार हैं, जो हिमाचल का सरप्लस पानी है। देखिए, हमें अपर यमुना रिवर जो इंटायर बेसिन है उसमें ये समझना होगा कि जो सारे अपर यमुना स्टेट्स हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, सबको यमुना के पानी का एक हिस्सा एलोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश ने अपर यमुना रिवर बोर्ड में फिर से ये स्पष्ट किया है कि जितना वो एलोकेशन हिमाचल प्रदेश का है, गर्मियों के मौसम में उनके पास 137 क्यूसेक्स पानी है जो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आउट ऑफ देयर एलोकेशन। हिमाचल प्रदेश ने फिर से ये कल अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में रिआइटरेट किया है कि वो ये पानी देने को तैयार है, परंतु अपर यमुना रिवर बोर्ड ने कुछ हिमाचल प्रदेश से और कागज़ और कैलकुलेशंस मांगे हैं। मेरी आज सुबह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से बात भी हुई है। उन्होंने भी ये अश्योरेंस दिया है कि जो हिमाचल प्रदेश से सपोर्ट की ज़रूरत है, जो उनसे कागजात की ज़रूरत है, जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो जल्द से जल्द अपर यमुना रिवर बोर्ड को प्रोवाइड की जाएगी। हिमाचल प्रदेश ने फिर से दिल्ली के लोगों के प्रति अपने कमिटमेंट को दोहराया है, लेकिन क्योंकि इन कैलकुलेशंस को असेस करने में अपर यमुना रिवर बोर्ड को कुछ समय लग सकता है, दिल्ली ने हरियाणा को एक ह्यूमैनिटेरियन अपील फिर से करी है, और उस ह्यूमैनिटेरियन अपील के तहत हमने हरियाणा से ये आग्रह किया है कि वो कुछ एडिशनल पानी अगर दिल्ली को छोड़ सकते हैं। अपर यमुना बोर्ड ने ये भी सजेस्ट किया है कि दिल्ली और हरियाणा कुछ बायलैटरल बैठक करें, और अगर कुछ पानी हरियाणा दे सकता है तो वो ज़रूर रिलीज़ करें। दिल्ली सरकार के अफसरों ने भी हरियाणा सरकार के अफसरों से बात करी है, और इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिल्ली सरकार के सीनियर अफसर्स का एक डेलीगेशन कल चंडीगढ़ जाएगा और हरियाणा के ऑफिसर से मुलाकात भी करेगा। तो हम हरियाणा सरकार को एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी अपील कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार दिल्ली की अभी की परिस्थिति में कुछ एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ करे। किसका कितना हिस्सा है, उसका क्या कैलकुलेशन है, इस सब पर बातचीत ये हीट वेव निकलने के बाद बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आज एक हीट वेव के नाते दिल्ली में एक इमरजेंसी सिचुएशन है, और हमारी हरियाणा से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अपील हुई है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हरियाणा पानी रिलीज़ करे। बाकी मेरी दिल्ली वालों से भी अपील है कि दिल्ली वाले भी, क्योंकि पानी की लगातार एक कमी बनी हुई है, दिल्ली वाले भी बहुत केयरफुली पानी का प्रयोग करें। जिन जिन इलाकों में पानी आ रहा है, जहां पर पानी की कमी नहीं भर भी है, अगर वो कंजर्व करके कम से कम पानी का प्रयोग करेंगे तो दिल्ली के अन्य इलाकों में जहां पर पानी की शॉर्टेज है वहां पर हम पानी पहुंचा पाएंगे। पानी की पाइपलाइंस का इंस्पेक्शन लगातार जारी है, दिल्ली जल बोर्ड की टीम्स के द्वारा भी जारी है, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम्स के द्वारा भी जारी है। सोशल मीडिया पर भी हमें जहां जहां से फीडबैक आ रहा है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था हमें कल कि कोंडली के पास, कोंडली पुल के पास पानी की लीकेज हो रही है, उस लीकेज को आज सुबह रिपेयर कर दिया गया है। हमारे पास सूचना आने के 12 घंटे के अंदर अंदर ही वहां पर रिपेयर हो गई है। तो मेरी दिल्ली वालों से भी यही अपील है कि अगर उन्हें कहीं पर भी पता चल रहा है कि कुछ लीकेज हो रही है, इस समय हम एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए किसी को भी पता चले आप दिल्ली जल बोर्ड को टैग करिए। हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि जहां पर भी लीकेज है उसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में रिपेयर किया जाएगा,